हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अमन। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले कि हम फैक्टोरियल प्रोग्राम को कैसे टाइप कर सकते हैं सी प्लस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट कर ली है फैक्ट डॉट सी पी पी के नेम से, एंड यहाँ पे अब हम कोड टाइप करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट में एन माइनस टू इंटू ब्रैकेट में एन माइनस थ्री सो वन। ओके गाइज, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, एंड इसी से लॉजिक क्रिएट करके हम प्रोग्राम टाइप करेंगे एंड फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि जीरो फैक्टोरियल होता है वो वन के इक्वल होता है, एंड वन फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है। ओके गाइस, तो चलिए कोड टाइप करते हैं। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन, देन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा मेन फंक्शन इंट मेन, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसिस। ओके, देन यहाँ पे मैं डेटा टाइप यूज़ करूँगा इंट, एंड एक वेरिएबल यूज़ करूँगा नम, देन एक वेरिएबल लूँगा फैक्टोरियल। ओके, ओनली फैक्ट, एंड इसे मैंने स्लाइस कर दूंगा वन से। ओके गाइज, देन एंड में सेमी कॉलन, देन मैं सी आउट का यूज़ करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक मैसेज पास कर दूंगा एंटर योर नंबर। ओके, एंटर योर नंबर, देन एंड में एंडल का यूज़ कर लेंगे हम फॉर न्यू लाइन। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन, देन यहाँ पे मैं सी इन का यूज़ करूँगा इनपुट के लिए। ओके, देन मैं नम टाइप कर दूंगा, देन एंड में सेमी कॉलन। ओके, देन यहाँ पे अब मैं कुछ कंडीशन देने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इफ ब्लॉक का। ओके, सो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इफ देन पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ यदि नम लेस देन जीरो होता है। ओके, तो यदि नम लेस देन जीरो होता है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड प्रिंट कर देगा। ओके, सो मैं टाइप कर देता हूँ सी आउट इनवैलिड नंबर। ओके, इनवैलिड नंबर, देन एंड में सेमी कॉलन। ओके, तो जब भी हमारी वैल्यू जो है माइनस में होगी, डेट मीन्स जीरो भी नहीं होगी, जीरो से नीचे होगी, लाइक माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ओके, तो उस केस में क्या होगा, इनवैलिड नंबर वो प्रिंट कर देगा। ओके, देन इसके बाद में क्या करता हूँ, एल्स इफ का यूज़ करूँगा, else if then parenthesis, and यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ यदि num इक्वल इक्वल टू होता है जीरो के। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो वन के इक्वल होता है। ओके, तो यदि num जीरो के इक्वल होता है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे यह मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल इज जीरो, फैक्टोरियल इज ऑलवेज वन। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन, देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगा लास्ट एल्स ब्लॉक का। ओके, देन इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप का। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे फॉर लूप में। सो इंट आई इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ नम। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन, देन इसके बाद मैं कंडीशन दे दूंगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन के होता है। ओके, तब एंड यहाँ पे सेमी कॉलन, देन एंड में हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई माइनस माइनस। ओके, देन एंड में कर्ली ब्रेसिस, एंड यहाँ पे हम अपना लॉजिक पार्ट टाइप कर देते हैं। सो मैं टाइप करता हूँ फैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर फैक्ट इनटू आई। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन, देन फाइनल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। ओके, सो मैं टाइप करता हूँ सी आउट, देन मैं टाइप करूँगा यहाँ पे नम, एंड यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करके यहाँ पे मैसेज पास करूँगा फैक्टोरियल इज। ओके, देन यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं फैक्टोरियल से पहले, या देन यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फैक्ट। ओके, देन एंड में सेमी कॉलन। सो ये पूरा कोड हमने क्या करा है, टाइप कर दिया फैक्टोरियल प्रोग्राम का। मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है, देन मैंने बता दिया कि जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है एंड वन फैक्टोरियल भी वन होता है। ओके, देन यहाँ पे हमने क्या करा है, मेन फंक्शन को क्रिएट करा है, एंड यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं हमने इंट नम फैक्ट। ओके, सो नम को मैंने इनिशियलाइज नहीं करा है, नम से हमने इनपुट लिया है, एंड फैक्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है वन से। ओके, देन यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया जैसे ही यूजर इनपुट करेगा, एंड यदि वह नंबर जीरो से छोटा होता है, मतलब माइनस में होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ओके, सो क्या प्रिंट कर देगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा इनवैलिड नंबर। ओके, सो सपोज इस बार यूजर ने एंटर करा है जीरो। ओके, देन वो फिर से क्या करेगा, इस ब्लॉक के पास आएगा एंड यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा जीरो लेस देन जीरो है, सो फिर यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे एलसी ब्लॉक में आएगा एंड एलसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा नम इक्वल इक्वल टू जीरो, तो नम की वैल्यू जीरो है एंड यहाँ पे भी इक्वल इक्वल टू के बाद जीरो है, सो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो क्या करेगा,
इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को रन कर देगा, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज वन। ओके गाइज, तो जीरो इनपुट होने पे हमारा ये ब्लॉक इस वजह से रन नहीं हुआ है, यदि यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन होता, ठीक है, तभी हमारा एग्जीक्यूट होता, बट मैंने कंडीशन को जिस तरीके से दी है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। ओके गाइज, तो इस वजह से ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एज ए ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, एंड सपोज करिए इस बार यूजर ने जीरो से बड़ा कोई नंबर एंटर करा है, 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर कुछ एंटर करा है यूजर ने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से सबसे पहले ब्लॉक से शुरू होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, देन एल्स इफ चेक करेगा, फिर से वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड फिर से वो सीधे एल्स में आएगा। सपोज इस बार यूजर ने एंटर करा हुआ है 4, ठीक है, तो सीधे वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक के अंदर फॉर लूप है, फिर वो फॉर लूप में आ जाएगा, यहाँ पे सारे कंडीशन को चेक करेगा, देन उसके बाद ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, एंड यहाँ पे क्या करेगा, हमारे फैक्टोरियल प्रोग्राम को प्रिंट कर देगा। ओके, एंड यहाँ पे आउटपुट को हमारे प्रिंट कर देगा कैलकुलेट करके। तो चलिए एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं रन आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो ये बोल रहा है एंटर योर नंबर, सबसे पहले मैं एक निगेटिव नंबर दे देता हूँ, तो मैं पे टाइप करता हूँ -4। ओके, -4, देन एंटर कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैंने -4 एंटर करा, इसने यहाँ पे मैसेज दे दिया इनवैलिड नंबर। ओके, देन एक और बार मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे, एंड इस बार मैं एंटर करूँगा 1। ओके, तो मैंने 1 एंटर कर दिया है। सो गाइस आप देख सकते हैं इस बार इसने इनपुट दिया है 1 फैक्टोरियल इज 1। ओके, देन एक और बार मैं इसे रन करता हूँ, देन इस बार मैं इनपुट देता हूँ 0, देन मैं एंटर करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं इस बार 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। ओके, ये मैसेज इसने प्रिंट करा है। देन एक और बार मैं रन कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 5। ओके, देन मैं एंटर कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज 120। सो ये जो हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके गाइस, सो इस तरीके से हमने इसका लॉजिक लिखा है एंड कोड टाइप किया है। सो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचती रहा करेगी। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।